जयगांव स्टार सिनेमा हॉल के मालिक स्वर्गीय सुरेंद्र मोहन प्रसाद जी का पारिवारिक जमीन विवाद आज सुर्खों पर आ गया। जयगांव के नामी हस्तियों में से एक स्वर्गीय सुरेंद्र मोहन प्रसाद जी की पत्नी श्रीमती आशा प्रसाद जी और उनकी बेटी सरिता प्रसाद जी द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्हीं की सिनेमा हॉल के गेट के आगे बैठे हुए नजर आए। आप लोगों का क्या असुविधा है जो आज आप लोग यहाँ पे अभी धरना में बैठे हैं, क्या कारण से? हम लोग को घर से पहले से निकाला गया है, मम्मी और हम सुरेंद्र मोहन प्रसाद की बेटी है और ये उनकी वाइफ है एंड हम लोग सितंबर से आए हुए हैं लेकिन हम लोग को जस्टिस नहीं मिला है एंड यहाँ जो टीएमसी पार्टी का जो ब्लॉक माइनॉरिटी सेल का जो प्रेसिडेंट है अब्दुल मानिक और उनके भाई जो है मिंटू मियाँ वो दोनों मिलके मतलब मेरे भाई को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो काफ़ी साल से बाहर आ रहे हैं, वो मिलके वो लोग पूरा ज़मीन हड़पने का कोशिश कर रहे हैं। पिछले बार भी किए थे वो लोग लेकिन पुलिस लोग आए थे लेकिन अभी फिर से वो लोग सब लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग को जस्टिस नहीं मिला है, इसलिए हम लोग अभी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। आपने कोई FIR वगैरह कुछ पुलिस को इतला की? जी, हम लोग ने FIR किया था, पहले भी बहुत दफ़ा किया था लेकिन उसके बाद भी कुछ जस्टिस नहीं हुआ और हम लोग भी चाहते थे कि पीसफुली रिजॉल्व हो जाए लेकिन कभी हुआ नहीं ऐसा। क्या आपने इस मुद्दे को लेकर कोर्ट के दरवाजे तक दबदबाए थे? नहीं, हम लोग कोर्ट तक नहीं पहुंचे थे लेकिन उनके तरफ से लीगल नोटिस हम लोग को भेजा गया जो गलत था, उसमें काफ़ी गलत लिखा गया तो हम उनसे बात करने गए कि पीसफुली रिजॉल्व हो जाए लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। हम लोग नहीं चाहते थे कि परिवार से ही एक कोर्ट में फिर जाना पड़े, मम्मी का उम्र भी इतना हो गया है, इतने सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है। किस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रही है मैडम? ये मतलब पापा की जितने भी प्रॉपर्टी है सब को लेके मतलब वो लोग एक डिक्टेटरशिप चाहते कि हम लोग वो लोग सब ले लें और हम लोग यहाँ से निकल जाए। तो लीगल ऑनर कौन है अभी प्रॉपर्टीज के, जो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज है उसके लीगल ऑनर? लीगल एयर्स सब है, जितने भी सिबलिंग्स हैं एंड माय मदर सारी लीगल एयर्स है बट देन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है एंड पोजीशन में अभी तक वो लोग, हम लोग यहाँ स्टेप भी नहीं कर सकते, इतना गाली गलौज करते हैं और हम लोग को कौन गाली गलौज करते हैं? चाहे मेरा भाई हो गया या उनके लोग रहते हैं, हम लोग को अंदर आने नहीं देते हैं। नाम बता पाएंगे भाई का? हाँ, संजय प्रसाद है, उसको मैनिपुलेट करके वो लोग चाहते हैं कि और जो भी फैमिली जो डिस्प्यूट चल रहा है वो और बढ़ते जाए। तो फिलहाल ये प्रॉपर्टी क्या संजय जी के नाम से भी है? बिकॉज ही इज़ अ लीगल एयर, उनके नाम भी है तो बट फिलहाल वो चाह रहे हैं कि कम्प्लीटली उन्हीं के पोजीशन में आ जाए। और वो एकदम डिक्टेटरशिप करके पेट्रियार्क सोसाइटी उनके मन में उनके दिमाग में बस चुका है और वो चाहते हैं कि वो वही सब कुछ ले लें बट उनको समझना होगा कि टाइम्स हैव चेंज एंड देन विमेन आर ऑल्सो एन इक्वल पार्ट ऑफ द फैमिली। सो आज धरना में बैठने से पहले क्या आपने थाना को अप्रोच करना जरूरी नहीं समझा? हाँ, अभी हम लोग ज़रूरी ये नहीं समझे क्योंकि हमको बहुत बार मॉरल पॉलिसिंग किया गया है जब हम वहाँ गए हैं, ये सब देखते हुए हम सितंबर से यहाँ हैं, आज मार्च है, हम सबका देख के लास्ट रिजॉर्ट मेरा यही रहा है कि कुछ नहीं होगा तो हम यहीं बैठेंगे। आज इतना ठंड में अभी आप लोग यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, अभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ होगा तब भी क्या आप लोग सारा रात यहीं रहेंगे? हाँ, हम लोग यहीं रहेंगे। अभी जो समस्या है मुख्य रूप से आपका पारिवारिक हिसाब से समस्या है कि आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि वो माइनॉरिटी सेल उनसे समस्या, आप लोगों को समस्या है किससे? दोनों से है। आज यहाँ लाइट वगैरह ऑफ है जैसे कि हमेशा जलते रहता है, क्या करें? एवरी डे यूजुअली थ्री लाइट्स ऑन रहते हैं एंड हम लोग ने उनसे इंसिस्ट भी किया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना होता है कौन देगा, ये हॉल भी नहीं रन हो रहा है, ना कोई फाइनेंशियल सोर्स है, क्यों आप इतना ऑन कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग बैठे हैं इसीलिए लाइट ऑफ किया गया है। वो लड़का ना सब चीज़ हमारे पति के है, हम पति मर गया हमारा तो हमारे संपत्ति का हक है यहाँ पर, वो बेटा के नहीं, हम जो देगा तो बेटा लेगा, ऐसे हड़प के गुंडा के लेके मिंटू मियाँ के लेके शुरू में खोल रहा है तो ये अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पर, सबके हक ऐसा होना चाहिए। तीन को लड़का है हमारा तो तीनों लड़का के हम तो बोला है लड़का के हम देगा तुमको देगा, इस बदमाशी मत करो, 10 साल से तुम बाहर था, पापा था तुम लड़ाई नहीं करने आया, जब हमारे पति मर गया तब हम लोग से लड़ाई क्यों कर रहा है तुम,
माँ के नहीं देखता, माँ के नहीं पूछता है, बहन की नहीं पूछता है। आया तो कभी आया, यहाँ नहीं आया, कभी कुर्सी लेके आके बैठता है बात मीटिंग करने के लिए। हम लोग आए 2-3 घंटा से, यहाँ आए चेहरा नहीं देखा, नहीं आया लोग आए छुप के ऊपर। मैडम छुप के वही है बैठा। आप कृपया करके अपने पति जी का नाम और तीनों बेटे का नाम बताइए ना। बेटा को उस बड़ा के संजय, हाँ सबसे बड़ा लड़की है, नेपाल में शादी हुआ बड़ा लड़की थी, तब संजय है, ये यहाँ बदमाशी करे तो लड़का, विजय है और छोटा वाला अजय वही भूटान में है। आपका शुभ नाम? नाम आशा प्रसाद, आशा प्रसाद। आशा देवी चाहते हैं कि ये संपत्ति में आपको क्या चाहिए? हमको संपत्ति में चाहिए सब कोई बांट के, सब कोई के मेरे उसको हम देगा, हमारा होगा वो लड़का के, सब तीनों बड़ा के होगा। हम तो चाहते हैं सबको बराबर देने के। तो बेटी लोग को भी आप अपना संपत्ति बांटना चाहेंगे कि केवल बेटा? ये बेटी कुमार लड़की है तो इसको तो होना चाहिए, पापा नहीं है तो इसको कौन शादी ब्याह करेगा, इसको ये लड़का है बेटी कुमार है, लड़की है लड़का है, ये तो लोग ये लोग शादी नहीं किए, लोग तो शादी शुदा कर लिया, दो लड़का तो शादी कर लिया दो लड़का, तो ये लोग तो कुछ देने वाला है ही नहीं है, ये लोग अपन तकलारी कर रहा है अपन यहाँ बैठ के, हमारा संपत्ति हम दूसरा के घर में हम रह के गुजारा कर रहा है दूसरे घर में, हम तो लोग आके यहाँ से 6 महीना से यहाँ हम लोग यहाँ आ गया भूटान से कॉल किया। हम माना किया मिंटू मियाँ के यहाँ नहीं करने के लिए, शोरूम नहीं खोलने के लिए, ये क्यों खोला यहाँ माना किया, और पंचायत हुआ यहाँ, पंचायत हुआ सब हुआ मीटिंग हुआ तो बोला यहाँ मिंटू मियाँ के अधिकार नहीं है, तब मिंटू मियाँ भी तो चोरी कर के छुप छुप कर के वो दीवार तोड़ के सैगो दीवार तोड़ के ढा के और उसका शोरूम खोल लिया, और खोल के उसका ताला लगा के बंद कर दिया। अभी देखा नीचे में ताला मार के बंद करके रखा है, अभी लड़का नहीं आया, हम लोग भी अंदर यहाँ नहीं आया, कैसा लड़का है, हमारा बेटा हो कि हमको माँ के बहन के नहीं माया करता है। अच्छा मैडम तो, एक बात बताइएगा, जैसे डिस्प्यूट तो अपने जगह है, क्या बाहर के कोई भी थर्ड पार्टी इलीगली एनकोर्च या पोजेस करके या दुकानदारी ऐसा कुछ किए हैं? एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। अभी फिलहाल प्रिवेलिंग सिचुएशन क्या है, किसने दुकान की और क्या दुकान किया है? जैसे हम लोग को पता चला प्रीवियसली क्या हुआ था कि जो बेसमेंट में जो है पति रहता तो किसी को टॉपिक नहीं देता, ऐसा पति नंबर चावल टाइम है वो सब तोड़ के आगे काफी काफी सारा दीवार तोड़ के वो लोग भलाई करता है, मतलब अंदर घुस गए थे एंड देन वो मिंटू मियाँ का ही किया हुआ था। फिर हम लोग कंप्लेन भी किए काफ़ी दफ़ा, लेकिन फिर बहुत दिनों बाद हम लोग को जस्टिस मिला मोहन अंकल के सपोर्ट से, और फिर उनकी वजह से उनको निकाला गया। फिर बाद में ये जो फास्ट फूड का ये जो लगा हुआ है स्टॉल वो भी फोर्सफुली किया गया है, एंड अभी जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है फिर वी आर बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ की ये पूरा सेटअप हुआ है, फर्नीचर का शोरूम खोल दिया गया है एंड वो लोग बोर्ड लगा दिए। जैसे हम लोग को ये खबर मिला हम लोग को कुछ सूझा नहीं, तो हम लोग यहीं आ गए बस। अभी आप लोग थाना वगैरह कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए? नहीं अभी फिलहाल हम लोग नहीं दिए थाना में, दिए कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग जाने से कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता है थाना में, कुछ नहीं करता है थाना। आपका नाम? सरिता प्रसाद। आप सुरेंद्र मोहन प्रसाद की सबसे छोटी बेटी है ना? छोटी। आपके ऊपर में अभी एक स्टार सिनेमा हॉल का जो मालकिन है आशा देवी प्रसाद और उनका बेटी, उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि उनका प्रॉपर्टी में आपने जबरदस्ती दुकान कोई दखल किया है, इस विषय में आप जानकारी दीजिए। नहीं हम स्टार सिनेमा का वहाँ पर दखल नहीं, वो तो संजय प्रसाद है वहाँ का मालिक, उनका बड़ा लड़का है, तो संजय प्रसाद ने हमको वो बिक्री किया, दखल छत दिया जो जहिगों का नॉर्मल जो बिक्री कितना बैस होता है वो हिसाब से मेरा साथ बात हुआ, बिक्री किया, कोई दखल छत जबरदस्ती नहीं है। कितना में बिक्री किया? वो अमाउंट एक तो वह एक तो जो सरकारी रेट है वो गवर्नमेंट उसका साथ में मेरा डील हुआ है, वो हिसाब से बिक्री किया है, मेरा पास में रिसीव है पेपर है बना हुआ है। कितना दिन पहले आप कर देते जमीन? जमीन तो एक डेट कितना है इसका, डेट है कौन सा डेट बेटा? आपका 22 अक्टूबर को हुआ है? 22 अक्टूबर को 2020 2020 में किना है। तो इसका तो लीगल हायरर उसका माँ है जैसे, तो उसका बेटा फिर कैसे बेच दिया ये? उनका बेटा वहाँ पर बैठता है वो जगह में, तो उनका बेटा बैठता है, हम जाता था देखता है उनका बेटा ही बैठता है, तो अभी कौन जमीन का मालिक कौन है वो तो हमको मालूम कैसे होगा, उनका बेटा मेरा साथ बात किया, बात करके बिक्री किया, पैसा का दरकार था बेच दिया। नहीं जमीन तो वो जैसे सरकारी लीज का जमीन है तो वो तो बेच तो सकता नहीं है,
तो फिर भी बिना पेपर देखे आपने खरीद लिया क्या उनसे? नहीं, लीज का जमीन जयगांव में लीज का जमीन नहीं है, लीज का कोई जमीन हमको तो मालूम नहीं था। गवर्नमेंट का वो लीज का है, वो 99 इयर्स का लीज वाला जमीन है, वो सिनेमा हॉल की जानकारी नहीं था। तो मेरा साथ चीट किया होगा, मेरा साथ चीट किया होगा। अभी जैसे उसका माँ बेटी भूख हड़ताल में बैठी हुई है सिनेमा हॉल के बाहर में, और डायरेक्ट बोल रही है कि मिंटू मियाँ आकर मेरा दुकान मेरा जमीन यहाँ पे हड़प रहा है, कैप्चर कर रहा है। उसी भी ऐसा कुछ नहीं है, संजय प्रसाद ने हमको दिया था, उनका बड़ा लड़का जो है, उनका बोमा जो है, क्या पिया प्रसाद की क्या है, उन लोग का साथ बातचीत करके हम ले जाए। दखल साथ कोई बात नहीं, नीचे में वाल उठाया, काम किया, इतना दिन से हम लिया हुआ है, उनका घर में मेरा फर्नीचर पड़ा हुआ है, बहुत गाड़ी भर भर के फर्नीचर लेके गया, उनका घर में हर रूम में मेरा फर्नीचर है, फर्नीचर खरीद के लेके गया यहाँ से। यहाँ पर आरोप ये भी है कि आपने घर तोड़ा भी है, उसके पिलर तोड़ा है, उसको पूछताछ नहीं किया तोड़ने के पहले? घर का पिलर को भी तोड़ता है, पिलर नहीं, शटर और वॉल तोड़ा हुआ है। वॉल शटर जो तोड़ा हुआ है नीचे में, जो बिक्री किया है उस टाइम में वो तोड़ दिया। मतलब आपका कहने का मतलब उन लोग जो एलिगेशन लगा रहा है पूरा पूरी गलत है? गलत है, वो गलत है, उनका फैमिली मैटर है, उन लोग क्या जाने उन लोग का। हम पैसा दिया सामान लिया, मेरा दुकान खुला हुआ है वहाँ पर आशिक ट्रेनिंग बोल के, दुकान में मेरा माल है, उसके बाद ट्रेड लाइसेंस मेरा नाम में वहाँ पर है, तो कोई झमला नहीं है, वो उन लोग का फैमिली मैटर है। आप उसके माँ के पास भी गए थे क्या साइन ऑन करवाने के लिए? उनका बेटा को बोला था तेरा माँ को भी लेके आओ, तो नहीं लेके आया उन लोग का मैटर है। पैसा लेने का टाइम में तो उन लोग क्या दो विटनेस लेके आया, पैसा लेके गया। वो लोग भी तो तीन भाई है ना सही? तीन भाई है वो लोग भी तो ना? हमको उतना जानकारी नहीं है, वो प्रॉपर्टी में वही बैठता है, वो प्रॉपर्टी में संजय प्रसाद बैठता है, बड़ा लड़का वही है। उसने कोई लीगल डॉक्यूमेंट आपको दिखाया था या दिया है इसका प्रॉपर्टी के लिए? मेरे को नीचे का ग्राउंड फ्लोर बिक्री किया है मेरा साथ में, तो डॉक्यूमेंट्स क्या वो बिक्री किया वही सब से अभी प्रोसेस है, जो जयों का नॉर्मल जो होता है। आपने जमीन खरीदा बिना डॉक्यूमेंट्स देखे क्या? आपने उनसे जमीन खरीदा बिना डॉक्यूमेंट्स देखे? डॉक्यूमेंट्स देखे मतलब उसका जो वोटर कार्ड वगैरह है, डॉक्यूमेंट जो जमीन का पेपर लीगल पेपर, जैसा जो डॉक्यूमेंट्स मिलता जमीन का डॉक्यूमेंट्स, लीगल पेपर आपने नहीं देखा? लीगल पेपर तो वो हमको दिखाया था, कुछ दिखाया था आपको जमीन दिखाया है, तो आप जब खरीदे तब तो आपको नहीं दिया? कौन नहीं पेपर? कौन पेपर नहीं दिया? जमीन का जो जब उनका माँ का कहना है कि उनका है मतलब राइट, उनका राइट अधिकार है वो प्रॉपर्टी में, आपको बिक्री किया? उन लोग का फैमिली मैटर है भाई, वो फैमिली मैटर है, उन लोग का क्या है हमको उसमें जानकारी नहीं है उतना। वो संजय प्रसाद मेरे को बेचा है, संजय प्रसाद बेचा है, उससे हम लिया है, पैसा कुड़ी दिया है, और उन लोग का क्या है झमला उन लोग का। बेटी का भी आज एलिगेशन था कि आप उनको बार बार पैसे मांग रहे बेटी को, तो सब झूठ बात है। वो क्या का पैसा ले, पैसा तो मेरे से लेके जाएगा, हम क्यों पैसा मांगेगा उन लोग से? पैसा तो हमसे ले जाएगा, क्योंकि हम कीना है, हमको पैसा देना है, हम उनसे पैसा क्यों लेगा? यहाँ देखो ये मानी, यहाँ पर मानी रिसीव है, पैसा जो लिया इसका कौन एडवोकेट ने किया है इसका मनी रिसीव? एडवोकेट क्या है यहाँ पर हम किया है, ये सब मनी रिसीव लिया, ये सब पेपर बना के दिया, ये सब पैसा उन लोग लिया है, ठीक है।